कोलारस नगर परिषद की इंजीनियर की मनमानी के चलते जनता को परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। आरोपी है कि इंजीनियर अपनी मंशा अनुसार कहीं भी पाइपलाइन गड़वाने के नाम पर कच्ची पक्की सड़क को ठेकेदार द्वारा खुदवा कर छोड़ दिया जा रहा है, जिससे आमजन गिरकर घायल हो रहे हैं। बता दें कि बारिश के मौसम में वैसे भी सड़कों पर जल भराव सहित कीचड़ रास्ता हो जाता है, ऐसे में सड़क को खोद कर छोड़ देना रहवासियों के लिए किसी नासूर से कम नहीं है। ताजा मामला कोलारस नगर परिषद की कब्रिस्तान रोड शिवनगर कॉलोनी से सामने आया है, जहां नगर परिषद के इंजीनियर हर्षित गुप्ता के आदेश पर ठेकेदार पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क को खोद दिया गया है, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को जस के तस छोड़ दिया गया है। ऐसे रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों का आरोप है कि बारिश के चलते ये रास्ता और दुखदायी हो गया है। इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीर गिरकर घायल हो रहे हैं, साथ ही रोज स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान हैं। इसकी शिकायत नगर परिषद में दर्ज कराई गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले की खास बात यह है कि रहवासियों की शिकायत के बाद सीएमओ संजय श्रीवास्तव द्वारा कब्रिस्तान रोड शिवनगर कॉलोनी की खोदी हुई सड़क की मरम्मत करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद मनमर्जी के मालिक इंजीनियर हर्षित गुप्ता ने अधिकारी के निर्देश की अवहेलना कर अपनी हटी रवैया एक बार फिर सामने रखा है। अब देखना ये होगा कि नगर परिषद और जनप्रतिनिधि वार्डवासियों की समस्या का समाधान करते हैं या फिर जनता के प्रति जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ते हैं। नाम है आपका? नम किशोर सोनी। तो ये कौन सा मोहल्ला है? ये रमतला वार्ड पांच है। अच्छा, तो आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या है, लाइन खुदने से जो है कीचड़ मच रही है पूरे में, इस पर रोड नहीं है। कौन सी लाइन खुदी? ये नल लाइन, मतलब पाइप लाइन है। पाइप लाइन डाली है नल की। अच्छा, कितने दिन हो गए इसको? हो गया करीब 10-15 दिन। अच्छा, 15 दिन से पूरा मोहल्ले में कीचड़ मची हुई है। अच्छा, तो इसकी शिकायत वकायत नहीं की क्या आपने? सबसे कहा है। तो उनका क्या नाम है आपका? हमारा नाम रानी है। ये कौन सा मोहल्ला है, कौन सी कॉलोनी है? शिव कॉलोनी। शिव कॉलोनी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि बच्चे स्कूल की जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। क्यों आती है दिक्कत? ये रोड बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अच्छा, उस जगह रोड गिर गई, हमारी रोड बहुत गलत है। तो ये रोड ऐसे पहले तो नहीं थी, ऐसे कैसे हो गई? अरे जिनने जिन नली मल्ली खुदवाई है, डाली है पानी डाली, दिक्कत नहीं मालूम नहीं है, सरकारी डाली है प्राइवेट डाली है, दिक्कत हमें बहुत आती है। अच्छा, तो इसकी शिकायत नहीं की क्या किसी? शिकायत करती है, कोई सुनता ही नहीं है, क्या करे, कैसे में काम चला रहे हैं। अच्छा, के एच डी लगाई सब में तो लगी सर, जे जी पी वाला लड़ने लगा के एच डी, उससे तो चला गया, देसी करेंगे बच्चों को मारने आ गया, कह रहे तुम्हारी नौकरी छोड़वा दूंगा, जे कर दूंगा, तो बच्चे गाली बच्चे तो देंगे। कौन से जे सी पी वाला था? वही तो जी सड़क बनाने वाला था, वो जे वीरू का भैया था। अच्छा, तो क्या काम कर रहे थे यहाँ? अरे वो ट्रैक्टर खस गया था, इधर से निकाल लाए थे, तो इधर निकालने नहीं दीजिए, तो बिल्कुल ही खच रहे आए, कहाँ से निकल रहे थे वो? उस दिन ट्रॉली खची थी, तो उस दिन जब फंस गई, पाइपलाइन डल रही थी। पाइपलाइन डल रही थी, और क्या? इसका कभी बोला नहीं है किसी से आपने कि इसको सही कराओ नगर पालिका से? उनके पापा ने बोला तो था, बोला था, देख के चले करेंगे, अभी तक नहीं करा। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? इसमें ये सड़क ये पाइपलाइन डाली थी अभी इंजीनियर ने, ये 15-20 दिन पहले, तो ये पूरी सड़क खोद के चला गया, पूरी मिट्टी आ गई, ऊपर गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं, इसको सही करवा के नहीं गया, कई बार तो शिकायत कर चुके हैं इसकी। अच्छा, तो किससे की शिकायत आपने? नगर पालिका में कर चुका हूँ, सीएमओ साहब को लगा दिया फोन, उनसे कई बार कह दिया, इंजीनियर साहब को लगाया फोन, इंजीनियर साहब से भी कई बार कह चुके हैं इसको सही करवा दो, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने दिन होगा इसको खोदे हुए? 20-25 दिन हो चले, महीना भर, उसको तो पूरी बरसात में परेशान हो रहे हैं बच्चे, कई निकल तक नहीं पा रहे हैं इसमें से। तो उन लोगों का तो कहना ये है कि इंजीनियर का कहना ये है कि यहाँ पे जो आप लोगों ने जबरदस्ती करके अभी बरसात में यहाँ पर पाइपलाइन डलवाई है। नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं डलवाई, जबरदस्ती कौन डलवाएगा, किसको जरूरत है, किसी की जरूरत ही नहीं है पानी की इतनी। अच्छा, सबके यहाँ बोर लगे हुए हैं पानी के लिए, तो अपने अपने पर्सनल है। सर, कब्रिस्तान रोड पर सर एक शिवनगर है जिसमें नगर पालिका द्वारा नगर परिषद द्वारा पाइपलाइन डाली गई है, वहाँ पर सर कीचड़ काफ़ी सारी हो रही है, जहाँ से रहवासियों को बहुत काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर। आज ही ये तथ्य मेरे संज्ञान में लाया गया है कि शिवनगर में कोई रिपेयर काम हुआ था या पाइपलाइन डली हुई थी, और पाइपलाइन डलने के कारण उसके बाद में जो सड़क मार्ग दुरुस्त होना था वो दुरुस्त नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में अभी बरसात के कारण वहाँ इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो गई। तो आज ही मामला संज्ञान में आया, मैं इसको दिखवाता हूँ और सीएमओ नगर पालिका से भी मेरी बात होगी, और जो भी यथोचित कार्रवाई उसमें होगी जनता के हित में वो की जाएगी।